आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ नेनुए की कलौजी कैसे बनाते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। यदि आप सबको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में घंटी को दबाएं जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट से नेनुआ लाना है और बिल्कुल पतला वाला इस तरीके से नेनुआ होना चाहिए। और इसे पहले अच्छे से पानी से हमें धो लेना है। धोने के बाद इसके छिलके हमें हटा देना है। तो सेम इसी तरीके से सारे छिलके हटाने के बाद बीच से इस तरीके से चीरा लगा देना है, जैसे कि लगा हुआ है बीच से। फिर हमें छोटे छोटे पीस में इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो सारे कटिंग हो गए हैं तो मसाले लेना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें आमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच खड़ा मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे और इसमें 1 से 2 चम्मच के लगभग इसमें सरसों का तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारे मसाले जो हैं भुने होना चाहिए, पहले से भुन कर जरूर इसे तैयार करके रखें। फिर इस तरीके से भरकर तैयार कर लेना नेनुए में। तो सारा मसाला जो है हमें इसी तरीके से भरना है। इसी तरीके से सारे नेनुए में मसाले भरकर तैयार कर लिए हैं। फिर हमें कढ़ाई लेना है, सरसों का तेल डालना है, 1 चुटकी हींग डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 लाल मिर्च डाल देते हैं। तो प्लेट में जो मसाला बच गए थे वो भी पानी में अच्छे से घोल के इसके बाद ये मसाला भी डाल दिए हैं तेल में। तो अच्छे से भूलने के बाद फिर जो हमने यहाँ पर नेनुए में मसाला भर के रखा है ये मसालों के साथ भून लेना है पहले 1 से 2 मिनट। फिर नमक डाल देते हैं और इसे ढककर पकने देते हैं, 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये टोटल 7 से 8 मिनट हो गए हैं और 7 से 8 मिनट में देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है नेनुए अच्छे से पक गए हैं और बिल्कुल गल गए हैं इस तरीके से। कि मसालेदार कलौजी बनाने में 10 से 12 मिनट लगते हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे रोटी या फिर दाल चावल के साथ आप खा सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।